हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हरियाणवी फ्लेवर में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्राइड चना दाल रेसिपी। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 2 कप दाल, 2 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज टमाटर, बथुआ ये ऑप्शनल है, 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, धनिया पत्ता, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। मसालों में जो चाहिए वो है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच गरम मसाला। मैंने 2 कप दाल लिया है तो मैं इसमें जो है 4 कप पानी ऐड करूँगी। जो हमने स्टार्टिंग में बथुआ लिया था, जो मैंने बताया था कि ऑप्शनल है, वो मैं इसी टाइम पे जो है इसमें डालूंगी ताकि अच्छे से उबल जाए। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे आधा चम्मच और हल्दी डालेंगे आधा चम्मच। इसके बाद हम अपना जो कुकर है उसको बंद करके रख देंगे। हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने देंगे, उसके बाद 3-4 सीटी लो फ्लेम पर लगवाएंगे। देखिए, हमारी जो दाल है वो रेडी हो गई है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। हमने फ्राई पैन में जो है एक कड़छी घी ले लिया, उसमें ज़ीरा ऐड किया। उसके बाद हम इसमें जो है प्याज डालेंगे, इसे चलाएंगे, हल्का ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। तब तक इसमें हम जो है साथ में डाल देंगे अपनी थोड़ी सी हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डाल करके हम इसे पकाएंगे। जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। ये देखिए, हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। अब हम इसमें अपने जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे, नमक, मिर्च और हल्दी। और इसे अच्छे तरीके से चलाएंगे। और साथ में इसके जो बाकी मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो मसाले हैं वो नीचे लगे ना। ये देखिए, हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छी तरीके से ढक के रख देंगे ताकि ये पक जाए। ये देखिए, आप इसे धीरे धीरे जो है थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहिए। अब वापस आप इसे ढक करके रख दीजिए। जब तक ये तेल ना छोड़ दे तब तक हम इसे अच्छे तरीके से ऐसे चलाते रहेंगे और ढक के धीमे आंच पर पकाएंगे। जैसे ही अपना तेल छोड़ देती है उसके बाद हम इसमें अपनी दाल ऐड करेंगे। अब आप इसमें अपनी दाल जो है वो ऐड कर लीजिए। ये देखिए गाइस, कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब इसे थोड़ी देर चलाइए और ढक कर के हम इसे 10 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पर। तब तक हम अपना जो तड़का है वो रेडी कर लेंगे। हमने अलग से एक छोटे फ्राई पैन में घी ले लिया, इसमें हम ज़ीरा डालेंगे और लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर डालेंगे। इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा और दाल का टेस्ट भी डबल हो जाएगा। ये देखिए, हमने कश्मीरी मिर्च ऐड करी और दाल में इस तरीके से डाल दी। ये देखिए, इसका बहुत प्यारा कलर आया है। अब गार्निश करने के लिए हम इसमें धनिया डाल देंगे। इस तरीके से आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और अपनी फैमिली को अब आप जो है सर्व करके खा सकते हैं। थैंक यू।